हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों भी शूटिंग में देवानंद का कॉलर पकड़ के उनके साथ की बदतमीजी, जिसके बाद डायरेक्टर ने उन्हें लगाई फटकार। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें, देवानंद बॉलीवुड के वो कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग, उनके स्टाइल के हर कोई दीवाने थे। उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है। देवानंद के पीछे लड़कियां भी पागल थी। आखिर क्या वजह थी कि ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दी थी बदतमीजी। आज शत्रुघ्न सिन्हा और देवानंद दोनों ही बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त देव आनंद पहले से ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के पास उस टाइम काम नहीं था। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद वो एक्टिंग की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तब उन्हें देवानंद ने ही काम दिया था। देवानंद ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपने फिल्म प्रेम पुजारी में काम दिया था। देवानंद ऐसे कलाकार थे जो हर नए चेहरे को फिल्म में काम करने का मौका देते थे। ऐसा ही उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अपने फिल्म प्रेम पुजारी में काम करने का मौका दिया। तो फिर क्या वजह रही कि शत्रुघ्न सिन्हा ने देवानंद के साथ उनका कॉलर पकड़ के की थी बदतमीजी? दरअसल 1971 में रिलीज हुई फिल्म गैम्बलर में अमरजीत, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, इसमें उन्होंने देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा और जाहिदा को लिया हुआ था। दरअसल फिल्म में एक सीन शूट हो रहा था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और देवानंद के बीच कहासुनी होनी थी। यह सीन शूट हो रहा था। इस सीन में दोनों ताश खेल रहे होते हैं, तभी दोनों की कहासुनी होनी थी। शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद साहब का कॉलर पकड़ लेते हैं और उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर, जो कि सीन को शूट कर रहे थे, जब वो गुस्से में शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे देखते हैं तो वो कट बोलकर शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचते हैं और डायरेक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को खूब ज़्यादा डांटने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने बड़े दिग्गज कलाकार देवानंद साहब का कॉलर पकड़ने की, जबकि सीन में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो उस समय इंडस्ट्री में नए नए थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। शत्रुघ्न सिन्हा जब तक अपने सफाई में कुछ कह पाते, तभी देवानंद साहब उनको बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देवानंद साहब डायरेक्टर को रोकते हैं और कहते हैं इसमें शत्रुघ्न सिन्हा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना काम किया है। देवानंद साहब डायरेक्टर को बोलते हैं कि आपको ये स्क्रिप्ट में लिखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं लिखा, कि उन्हें मेरा कॉलर पकड़ना है या नहीं, जिसमें कि देवानंद शत्रुघ्न सिन्हा को सही ठहराते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर शांत हो जाते हैं, जिसके बाद सीन को दोबारा से शूट किया जाता है। इसके बाद से शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद साहब की बहुत इज्जत करते थे, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आज तो देवानंद साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम किस्से आज भी मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।